तेलंगाना के हैदराबाद की एक खबर ने शुक्रवार को पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहां एक महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की हदें पार की गई। उनकी स्कूटी खराब होने के बाद वे दरिंदों के बीच फंस गईं। उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। शुक्रवार सुबह जैसे ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इसकी सूचना मिलने लगी, लोगों का आक्रोश भड़क उठा। देश भर में इस जघन्य वारदात के बाद गम और गुस्से का उबाल है। सोशल मीडिया पर लोग केस को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उनके कातिलों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जैसे ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू हो गई है, तो उन्हें हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। आगे बताते चले कि हैदराबाद के प्रियंका रेड्डी हत्याकांड को तेलंगाना पुलिस ने सुलझा लेने का भी दावा किया है। उनके मुताबिक गिरफ्तार आरोपित मोहम्मद पाशा और अन्य तीन बहुत दिन से प्रियंका के साथ बलात्कार करने की योजना बना रहे थे और टोल प्लाजा पर खड़ी पीड़िता की स्कूटी को भी उन्होंने जानबूझकर पंचर किया था। मोहम्मद पाशा महबूब नगर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। मोहम्मद पाशा के अलावा पुलिस ने जिन तीन अन्य आरोपितों को पकड़ लिया है उनके नाम है नवीन, केशवलू और शिवा। इसके अलावा प्रियंका के पोस्टमार्टम में पता चला है कि उनके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ बल्कि उन्हें गला दबाकर हत्या करने के पहले बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया है। उनकी लाश को मोहम्मद पाशा की लॉरी में भरकर टोल प्लाजा से 30 से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर आग लगा दी गई। पुलिस को जांच में प्रियंका के अंतः वस्त्र और उनके पास ही शराब की बोतलें भी मिली। गौरतलब है कि हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 26 वर्षीय महिला डॉक्टर की जली हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। भाई वारदात की सूचना मिलते ही जहां पुलिस सक्रिय रूप से मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया यूजर्स भी कल रात से प्रियंका रेड्डी के नाम के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। जानकारी के अनुसार पशु चिकित्सक प्रियंका रेड्डी कुल्लूरू स्थित पशु चिकित्सालय में काम करती थी। बुधवार नवंबर 27, 2019 को भी उन्होंने अपनी स्कूटी को सात नगर के टोल प्लाजा शमशाबाद के पास पार्क किया था, लेकिन रात में जब वह वहां वापस लौटी तो उनकी स्कूटी पंक्चर थी। उन्होंने इसकी सूचना अपनी बहन को दी और कहा कि उन्हें डर लग रहा है क्योंकि उनके आसपास सिर्फ लोडिंग ट्रक और अनजान लोग हैं। प्रियंका को डरा हुआ देख उनकी बहन ने उन्हें स्कूटी पार्क करके कैब से आने की सलाह दी, लेकिन प्रियंका ने उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें मदद ऑफर की है, इसलिए वे थोड़ी देर में कॉल बैक करेंगी। इस वाक्य के बाद प्रियंका का कोई फोन नहीं आया। जब परिजनों ने उनसे कुछ मिनट बाद संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। परेशान परिवार वाले खुद प्रियंका को ढूंढने के लिए टोल प्लाजा की ओर निकले। जब वह नहीं मिली तो उन्होंने थक हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।